आप देख खिलाएंगे नहीं, सिर्फ आप देख सकोगे, चिढ़ सकोगे, चिढ़ सकोगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हमारे साथ है नेहा जी। आज हम दोबारा जा रहे हैं एक जगह घूमने, और जगह का नाम है जिंगा लाला थीम पार्क। और आज हम जाएंगे स्कूटी पे, और स्कूटी चलाएगी नेहा। अगर मैं बच सका तो ब्लॉग पूरा आप देख पाओगे। बाकी ओके, टाटा बाय बाय। तो गाइस, आज दोबारा नेहा हमें ले आई है, पता नहीं कहाँ पे। नेहा, ये कहाँ पे आ गए हम? मुझे तो पता ही होगा, जैसे पता नहीं नेहा जब भी नहीं लेके आई, हमें गूगल मैप लेके आया है। तो गूगल मैप नेहा के फोन में ही चल रहा है। मेरे फोन को ऑन किया। देखते हैं गाइस पहुंच भी पाएंगे या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अपडेट देता रहूंगा, अगर पहुंच गए तो आपको दिखाएंगे। पहले स्कूटी तो चला रही हूं ना। स्कूटी अब तक तो सेफ है, आगे का पता नहीं, देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ हनुमान चालीसा जपनी चालू कर दूँ। तो गाइज, पहुँच तो गए जिंगा लाला थीम पार्क, बट हुआ ये कि ये एक पार्टी लोन टाइप है, और हम बुकिंग के बाद ही आ सकते हैं। या पार्टी वगैरह जो होती है ना, बर्थडे पार्टी, उसमें ही आ सकते, नहीं तो नहीं आ सकते। फ्लॉप शो हो गया, तो हमारा तो फ्लॉप शो हो गया आज। बाकी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअल में है क्या। तो गाइज, ये है जिंगा लाला, बस ये एक बैंक्वेट हॉल टाइप लगा लो, पार्टी इवेंट टाइप उसके लिए बना रखा है बस ये। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो, अगर अंदर से ये इस टाइप का है, कभी आपका आने का मौका लगे तो यहाँ आ सकते हो। बाकी अभी के लिए तो फिर चलते हैं नया। और अब जा रहे हैं शादी में, शुभम, मैं, चाची और संजू और चिंकी। और चिंकी वो छुपी है, वो वीडियो में आना नहीं चाहती, कोई बात नहीं, आ सकती है, आ सकती है। क्या सुंदर लग रही है, आना चाहो तो आ सकते हो चिंकी, आना चाहोगे? इधर मुंह करो, इधर अपनी शक्ल दिखाओ। नहीं नहीं दिखाना चाहती वो, कोई बात नहीं, हमारा बैड लक, कोई बात हमारा नहीं, इसका बैड लक। अच्छा, आप शादी में जा रहे हैं, आप सच सच ये बताना, कितने दिन से खाना नहीं खाया? सुबह नहीं खाया था, ये तो छुपाने की बात है। मतलब सुबह ने दो तीन दिन से नहीं खाया। अरे शिट, अभी तो मैं फिर खा गया है। अरे शिट, अरे ये नहीं बताना था। हां तो ब्लॉग से बाहर था, कट कर देना। ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, आज शादी में जाएंगे, वहाँ भर पेट के खाना मौज करना, एंजॉय करना। और अपनी पन्नी लेके आयो। अरे गाड़ी लेके पन्नी कहाँ है अपनी? जेब में आ जाएगा, जेब में आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, डिग्गी खा लेना, डिग्गी में भर लेना अपना। तो चलो, तो ये संजू तो कुछ पहन के आई है। संजू ये है, इसके मैं भर लेगी झोली में, ऐसे भर के ले चलियो। कोई पूछे ना ये पेट कैसे बड़ा हो गया तेरा, बोल दे ज्यादा खा लिया। वो कंगारू की तरह, जैसे कंगारू खा जाता है ना, आपको भर लेते हैं वैसे। तो चलो गाइस चलते हैं, आपको भी शादी का मजा दिलाएंगे और खाने की सारी चीजें दिखाएंगे। सिर्फ आप देख खिलाएंगे नहीं, सिर्फ आप देख सकोगे, चिढ़ सकोगे, चिढ़ सकोगे। ये बात सही है, चिढ़ सकोगे। तो चलो चलते हैं गाइस। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं ओराना कन्वेंशन। चल ये दिखा दे, दिखा दे। ओहो, ये तो बढ़िया बना रखा है। तुम शादी में आए, बाइक पे फोटो खिंचाना है? चलो शुभम, गाइस मेरी न्यू बाइक। चाबी दिखा, चाबी दिखा, चाबी दिखा, चाबी दिखा। तो गाइस ये झूठ बोल रहा था, आज के बाद अगर ये कोई भी बाइक दिखाए समझ लेना इसकी नहीं है। ऐसे सीक्रेट रिवील नहीं करते। फंस गया। क्या बारात निकल रही है? यस। हम क्या करने आए हैं, बस खाने पीने? हम बारात, ईट रिपीट एंड देन रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। देखो तीनों जा रहे हैं अपनी झोली भर ले। ये झोली भरने के लिए चुन्नी लाई है, वो भी चुन्नी लाई है, मम्मी ऐसे कुछ भी ले। ओ चले अंदर, ये यहीं रुकोगे? सही कह रहे हो, फाइव स्टार जैसी शादी है ये। लेट्स गो। ज्यादा खाना नहीं है, पहली बार नहीं यहाँ नहीं देनी, वो अलग चीज है। चलो चलो चलो, है ना, बढ़िया बना रखा है। चलो शुभम, वैसे देख कितना एंट्रेंस बढ़िया बना रखा है ना। चलो हाँ, तो गाइस चलो फाइनली करते हैं एंट्री। एंट्री करते ही देखो अंदर से कितना जबरदस्त बना रखा है, डेकोरेशन वगैरह इतनी बढ़िया कर रखी है। तो चलो सबसे पहले राइट में ही होके आते हैं।
ये देखो ऊपर क्या क्या डिज़ाइनिंग बना रखी है, ये राइट में रोजेज लगा रखे हैं, और ये बीच में मेन फेरे वाला सिस्टम, और फेरे वाले सिस्टम के ऊपर लाइटनिंग देखो कितनी ज़बरदस्त बना रखी है, मतलब सारा फोकस रहेगा दूल्हा दुल्हन पे। और उसके बाद लेफ्ट में चलो ये देख के आते हैं कि रोजेज असली है या नकली है। ये रोजेज तो ये तो नकली हैं बिल्कुल, पर दूर से ऐसे लग रहे हैं असली थे। और ये ऊपर देखो क्या ग्लासेस का सिस्टम बना रखा है, ये क्या क्या, मतलब कि एक्चुअल में 5 स्टार वाली शादी है बिल्कुल। यहाँ पे देखो हर मतलब हर एक चीज़ पे वो कर रखा है। ये शुभम भैया वनमोज ले रहे हो। तो गाइज चलो मेन खाने पीने वाले सेक्शन में चलते हैं, और यहाँ पे देखो इसके अंदर भी कितनी ज़बरदस्त डेकोरेशन कर रखी है, और यहाँ पे तो VVIPs भी आ रखे हैं देखो, सिक्योरिटी वगैरह। और ऊपर देखो ये क्या क्या लगा रखा है, फ्लावर्स डेकोरेशन, और इतना बड़ा हॉल, इतने सारे बंदे भी आ रखे हैं। अभी नहीं संजू 5 मिनट में फ़ोटो खींचेंगे। और ये देखो शुभम भैया चलो चलते हैं अब, बाकी बहुत बढ़िया शादी है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस टाइप की शादी, पूरी VIP शादी। तो गाइस चलो चलते हैं खाने पीने, यहाँ से आ जाओ चल शुभम, किस से स्टार्ट करेगा आज, वहाँ से देखते हैं क्या क्या चीज़ें। गोलगप्पे गोलगप्पे तो नहीं है ना, नेक्स्ट है टिक्की टिक्की या डोसा, डोसा चल डोसा डोसा चल रही। और आगे क्या है यहाँ पे, क्या पास्ता खाएगा, विच वन, वाइट वन और वाइट सॉस दे दो भैया, थोड़ा थोड़ा डालना बिल्कुल। ये छिड़क दो वो, हाँ और यस यहाँ तो रोटी है, यहाँ चालू करते हैं। यही है ये क्या है, इडली ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं। ध्यान से देखो इन्हें खिचड़ी बना के खाते हुए। अरे नहीं तन्हाई के कारण एक दो सांड भूखे पेट थोड़े वो आप बन रहे हो प्रोग्रेस में हो, कोशिश कर रही है। ये टमाटर क्या है, इनका कैंडल लाइट इधर चल रहा है, चले शुभम पार्टी खत्म, गमला उठा के ले चलते, क्या ले चलते, गमला ले चल गमला, मेरे को तो कुर्सी पसंद आ गई, यही सो जाए। देख हवा भी बढ़िया लग रही है डायरेक्ट, यहाँ ऊपर देख एसी से डायरेक्ट हवा आ रही है, रजाई और लिया बस एक तन भी है लो चुप फोन। तो गाई ये सुबह में एक्टिंग करते हुए सोने की शादी में घूम फिर के आ गए, शादी तो बढ़िया बना रखी थी है ना, बहुत बढ़िया थे, खाना पीना डेकोरेशन कोई कमी नहीं थी, लिटरली VIPs की शादी थी। तो गाइज फाइनली घर पहुंच गए हैं, घर पहुंचने वाले हैं, चाची की फ्रेंड की थी ये, मेंशन करना जरूरी है चाची ने बोला है इसलिए हमने कर आया है। नहीं अब यह आप नहीं हो सकता, आप सब नेचुरल होता है, ब्लॉग इज लाइक नेचुरल, हम धोखा नहीं कर सकते, सच्चाई दिखाएंगे आपको। तो गाइज आज के व्लॉग को करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना।